अब हमने इस साइड में ये लाइन लगानी है, तो पहले तो इसका सेंटर निकालना है, या सेंटर निकालिए 2.5 सेंटीमीटर इधर को लगाना है आपने, और 2.5 सेंटीमीटर आपने इधर को छोड़ना है। इसी तरह आपने नीचे ये पॉइंट पे यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लिया आपने, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर इधर को और 2.5 सेंटीमीटर को, ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक हमने 11 लगाया छोड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ भी 11 छोड़ा हुआ है, बीच में 25 आ गया है, तो 11 ही आपने यहाँ छोड़ना है नीचे, ध्यान रखें 11 इस पॉइंट पर छोड़ दें और 11 इधर छोड़ दें ऊपर की तरफ को। और इसके अब इन लाइनों को मिला लेते हैं पहले हम। अब हमने इन पॉइंटों को मिला लेना है और ये लाइन डायरेक्ट करनी है, ये इसके बीच में डायरेक्ट रहेंगी, यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लें यहाँ तक, और नीचे इसको डॉटेड उतार दें। इसी तरह अगला पॉइंट ये ऊपर वाले के साथ मिलाएं, और यहाँ भी लाइन डायरेक्ट लगानी है, और नीचे आपने ये डॉटेड लाइन लगानी है। अब आपने ये लाइनें इधर को घुमानी है दूसरी साइड को, तो यहाँ 11 पर निशान लगा लें आप इसको, मैंने ये 11 वाले प्रोजेक्शन भी नीचे उतार लें, मैंने निशान लगा लिए, आप ये 11 वाला प्रोजेक्शन भी नीचे उतार लें, बहुत से प्रोजेक्शन आएंगे इसमें, तो ये प्रोजेक्शन भी नीचे उतार लें, ये 11 वाला जो है आपका, इसको आप इसके साथ मिलाएं, ये प्लान के बीच में यहाँ डॉटेड लाइन लगानी है अब पूरे में यहाँ तक, और ये यहाँ से मूव कराना है इसको। अभी नीचे वाले 11 पे आ जाएंगे आप यहाँ पे ये, और इसको भी आप मूव करा देंगे। अब आपने ये जो बीच का 5 आया हुआ ये भी इसके बीच में जाएगा, तो देखिए मैंने इसका फिर सेंटर कर लिया है यहाँ पे, 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, देखें इसको, मैंने इस लाइन का सेंटर निकाल लिया, 2.5 सेंटीमीटर रखा हुआ, 2.5 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ, तो इसके साथ ही जो बीच वाला हमारा 5 है इसके साथ इसको मिलाएंगे अब हम। तो ये ऊपर वाली लाइन है, ये इसमें डॉटेड रहेगी, और यहाँ से इसको मूव कर दें लाइन को। इसी तरह अगला पॉइंट ये ऐसे छोटे छोटे डॉट लगाने यहाँ पे, और यहाँ इसको मूव करना है। अब यहाँ पे आप एक दो आयतें बन जाएंगी, और आपने मिटा देना सारा, ये देखिए ये सारी लाइनें मिट जाएंगी, ये सारी लाइनें मिट जाएंगी इसके बीच में से, ये सारा इसका साफ हो जाएगा। आपकी ये आयत और ये बीच वाली आयत ही रहेगी। तो अब इसमें आप ये देख रहे हैं नीचे एक लाइन लगी हुई है, ये फट्टी लगी हुई है 5 की, तो ये आपकी प्लान के बीच में दिखेगी डॉटेड। तो अब आपने ये जो 5 सेंटीमीटर पे आपने ये पहले लाइनें लगाई हैं, इसी के बीच में आपने ये साथ में ये लाइन भी लगा देनी डॉटेड, ये लाइन भी डॉटेड लगा दें यहाँ तक, इसी तरह ये ऊपर वाली लाइन भी लगा दें, डॉटेड लाइन लगानी है यहाँ तक, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं यस। अब आपने यहाँ आना है ऊपर इस पॉइंट पे, यहाँ से 4 छोड़ के 2, या ऊपर से 20 छोड़ के 2 ये लगाना है, और यहाँ भी आपने ये इधर से इस पॉइंट पे आना है, यहाँ से ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ को 20 छोड़ के 2, तो यहाँ भी प्रोजेक्शन आएंगे इसके डॉटेड, और यहाँ भी यहाँ क्लियर लाइन आएगी, देखिए कैसे लगानी है। अब इसके नीचे या तो 20 छोड़ दो, या यहाँ 4 के ऊपर 2 छोड़ा हुआ इसके ऊपर 20 छोड़ दो, इसी तरह फिर लाइन लग जाएगी आपकी। तो ऐसे ही आपने ये 4 सेंटीमीटर के ऊपर 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, यहाँ डॉट लगानी है, इसके ऊपर आपने 20 काट के 2, इधर 20 काट के 2, ये भी लाइन आपकी इधर पक्की रहेगी और इधर डॉटेड रहेगी। अब इसका लगभग काम हमारा फिनिश हो रहा है। अब हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें हैंडल लगाने रह गए हमारे, अब हैंडल बाहर लगेंगे ये मैं आपको भी बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन का भी हाफ करना है, इसका भी हाफ करना है, इसका भी हाफ करना है, इसका 25 का भी हाफ करना है, 25 का इधर भी हाफ करना है, और इधर भी हाफ करना है, और यहाँ पे भी आयत बनेंगे हमारे नीचे आके इस पॉइंट पे भी, और इधर बाहर भी बनेंगे पॉइंट। अब देखिए पहले इनका हाफ कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसका सेंटर निकाल लिया, इसका हाफ निकाल लिया, यहाँ इसका हाफ हुआ है, तो सीधी लाइन लगा लें, यहाँ भी पॉइंट लगा लें, 1 सेंटीमीटर ऊपर एक और एक नीचे, यहाँ इस पॉइंट पे एक ऊपर एक नीचे, इसी तरह हमने नीचे इसका हाफ कर लिया है
खाने का हाफ कर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर इधर, ढाई इधर, ढाई इधर, ढाई इधर, इसी तरह तीनों खानों में करना है आपने। इधर जितना इधर इधर छोड़ा हुआ है आप लोगों ने इतना, उतने पे इधर निशान लगा लें आप नीचे भी। अब आप इसके बीच में इसका हैंडल लगाएंगे। देखिए ये जो हैंडल है मैंने एक खाने में आपको बताना है, देखिए देखिए ध्यान से देखना, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लेना, एक नीचे की तरफ को लेना है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर ऊपर लेना, एक नीचे की तरफ लेना, और इधर भी आपने इसी पॉइंट पर एक ऊपर लिया, एक नीचे लिया हुआ है, एक एक पॉइंट ऊपर है, एक नीचे लिया है, तो इकट्ठी लाइन लगा लेनी है आपने यहाँ से। हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर काट लिया है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर फुट्टा रखा हमने, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा दिया इसके सामने। अब हमने इनको मिलाना है फिर आपस में ऐसे सामने, इसको फिर मिलाएं, इधर भी मैंने 1 सेंटीमीटर निशान लगा लिया, इधर भी लगा लिया है, तो अब हम इकट्ठी लाइन लगा देंगे। तो बाद अब ये जो लाइन आपने काटी है इसको थोड़ा एक्सटेंड करना आपने नीचे की तरफ को, यहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लगा के यहाँ लाइन खींच दें, ये प्रोजेक्शन आकर के यहाँ पे इस आयत को बनाएगा, तो ये इसकी मोटाई भी 2 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये हमारे अब ये खाने बन गए हैं, इसके बीच में ये बिल्कुल बराबर बनने चाहिए सारे, ये जो प्रोजेक्शन है इसका ऊपर से निकलेगा, ऐसा सीधा निकलेगा नीचे को, ये प्रोजेक्शन ऐसे सीधा निकल जाएगा नीचे को, ये भी इसका सीधा निकल जाएगा और ये इधर से आके इसको क्रॉस कर देगा, ये जो हमारा इधर से बना हुआ है, ये इसके इन ऊपर यहाँ से दो बने हुए हैंडल के जो टॉप बने हुए हैं इधर को आकर के इसको ये मिला देंगे। तो अब तो हमारी लगभग क्या सारी कंप्लीट ही है। तो इस तरह इस स्केल को आपने तैयार करना है, ठीक है, यहाँ आपने पैमाना बनाना है, राइटिंग वगैरह आपने ठीक करनी है, राइटिंग ढंग से करें, राइटिंग वगैरह कर लें ढंग से, जैसे आपको राइटिंग सिखाई हुई है। मैं बार बार आपको लिख के बता रहा हूँ, सभी स्केल के ऊपर नहीं देखा जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है फिर मेरे पास, तो आप सभी ज़रा ढंग से इसको राइटिंग करें, बाहर की तरफ भी लाइनें बराबर छोड़नी है, ऐसा नहीं कोई छोटी छोड़ दी कोई बड़ी छोड़ दी, ऐसे पूरा इसको सेटिंग करें, पैमाने की जगह पैमाना बनाएं, बाद में जो लाइनें नहीं चाहिए उनको आप रफ कर दें, जो लाइनें आपको डार्क चाहिए उनको डार्क कर दें, लाइनें डार्क होनी है। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें, ये देख लीजिए यहाँ पहले ये बीच में 25 का बनना है, दो जगह बनना है, यहाँ नहीं दिख रही हैं ये लाइनें, ये देख लें ध्यान से, यहाँ नहीं दिख रही हैं दो पॉइंट, लेकिन ये हमें अगर जब हम देखेंगे तो नीचे से ये चीज़ें दिखेंगी हमें, तो इसके नीचे जुड़ेगा आकर के ये, तो ये इसके नीचे जुड़ गया पक्का। और यहाँ ये भी ज़रा ध्यान से देखें इस पॉइंट को भी, इसको पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ ये एलिवेशन में ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन है, इसके नीचे फट्टी लगी हुई है पूरी, इसके नीचे ये पूरी पट्टी लगी हुई है इसके नीचे, ये तो ये यहाँ दिखानी है आपने, और 10 सेंटीमीटर छोड़ के लगाना है, ये 10 छोड़ के लगाया हुआ हमने, 10 छोड़ के 10 का लगाया, इसका हाफ़ किया बड़े ध्यान से, ये नीचे भी यहाँ पे भी दो आयतें बननी है, ये एक आयत ये बनेगी और एक आयत बीच में बनेगी, ये बीच वाली आयत छोटी है और बाहर वाली जो आयत है ये बड़े बड़ी है, और ये 5 सेंटीमीटर का ये जो फट्टा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, ये इसमें डॉटेड दिखेगा प्लान के बीच में, ऐसे ऐसे आ जाएगा प्लान के बीच में। और ये अब तो हमारी जो स्केल है पूरी कंप्लीट है, तो आप इसको करें आराम से, किसी पॉइंट का पता ना लगे तो ज़रूर पूछ लें। ओके।